नमस्ते दोस्तों, शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। आज मैं आपके लिए जो व्यंजन लेके आई हूँ, ये फलाहारी व्यंजन है जिसमें हम आलू की सब्जी बनाएंगे, फलाहारी आलू बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए आलू। ये मैंने आलू उबाल के उसके इस तरह से पीस कर लिए हैं। इसके अलावा हमें चाहिए मूँगफली। मूँगफली, कच्ची मूँगफली के दानों को मैंने सेक के और उसके छिलके हटा के कुछ बारीक पीस लिए हैं, कुछ मोटा मोटा इस तरह से रखा है। आप इसे तैयार कर लें। ये हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट है। इसमें 4-5 पत्ते कड़ी लीव्स के भी मैंने मिला लिए हैं, उसको पीस लिया है। इसके अलावा ये कड़ी पत्ते हैं, थोड़ा नींबू है, हरा धनिया है, और तड़के के लिए जो हमने चीज़ ली है उसमें है सौंफ, राई और जीरा। और इस तरफ आप देखिए, कढ़ाई मैंने रख दी है और कढ़ाई में मैंने तेल डाल लिया है और तेल गर्म हो गया है। हम इसमें ये तीनों चीज़ें मिला लेंगे। ये हमने डाल दिया है इसमें, और देखिए अब राई तड़कने लग गई है और सौंफ और जीरा भी ऊपर आ गया है। और इस समय हम इसके अंदर अब डाल देंगे ये हमारे कड़ी पत्ते। 2 मिनट हम रुक जाते हैं, एक बार राई अच्छे से तड़क जाए। कड़ी पत्ते मिला लिए हैं हमने, और इसी के अंदर हम जो हमारी मिर्च का पेस्ट है, अदरक और मिर्च का पेस्ट, ये भी मिला लेंगे और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। पेस्ट भून गया है, अब हम इसमें आलू मिलाएंगे। एक बार हम मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों, तेल कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप चाहें तो शुद्ध घी में भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें इसको थोड़ा क्रिस्पी करना है। तो हम कुछ देर, थोड़ा तेल हमने ज़्यादा लिया है, थोड़ा नमक मिला लेंगे। मैं नॉर्मल नमक डाल रही हूँ, आप चाहें तो जो व्रत में खाया जाता है वो नमक डालें। मिक्स कर लेते हैं और इसे कुछ देर के लिए हम मीडियम आंच पर पकने देंगे। खुला ही पकाना है, इस पर ढक्कन नहीं लगाना, खुला पकाएंगे। तो इसको हमारे पकते हुए आलू को लगभग 5 मिनट हो गए हैं, और बीच बीच में मैंने एक आध बार चला लिया था। ये ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होंगे, हल्का कहीं कहीं किसी आलू पे देखिए आप गोल्डन कलर आ रहा है। इसमें हम मूँगफली डालेंगे। अब जो हमने मूँगफली सेक के और कुछ पीसी है, कुछ साबुत है वो डाली थी, वो तैयार करी थी, तो हम इसमें डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, कुछ लोग हल्दी खाते हैं व्रत में, कुछ नहीं खाते, तो फर्क नहीं पड़ता। अगर आप डालना चाहें, आप लाल मिर्च डालना चाहें तो भी डाल सकती हैं। आप अगर चाहें ड्राई फ्रूट्स डालना, काजू वगैरह, तो वो भी डाल सकते हैं। हमने मूँगफली डाल ली है और कुछ देर के लिए हम इसे और 5 मिनट लगभग हम और रखेंगे, ताकि थोड़ा सा हल्का हल्का क्रिस्पीपन आ जाए आलू में। उसके बाद में हम इसमें धनिया मिलाएंगे। हमारे आलू लगभग तैयार हो गए हैं। देखिए आप, हल्के हल्के क्रिस्पी हो गए हैं नीचे से, और मूँगफली बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें अभी जो है वो जो हमने हरा धनिया काट रखा था वो डाल लेते हैं, मिला लेते हैं अंदर। एक बार मिक्स कर लेंगे। आप इसे चाहे तो रागी की पूरी जो बनती है, पूरी पराठा, उसके साथ खा सकते हैं, या साबूदाने की खिचड़ी के साथ खा सकते हैं। दही के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है, और आलू अपने आप में खूब अच्छी एनर्जी भी देता है और पेट भर जाता है इससे दोस्तों। तो ये अपने ये तैयार हो गए हैं फलाहारी आलू। मैं थोड़ा सा नींबू जो बताया था मैंने आपको, उसका रस निकाल लिया है, वो डाल लेती हूँ। बीज ना गिरे ध्यान रखना, मैंने एक बीज गिरा दिया है इसके अंदर। तो बस ये हमारे जो है आलू वो तैयार हो गए हैं। कुछ लोग जो शक्कर पसंद करते हैं वो थोड़ी यहाँ पे आधा चम्मच शक्कर भी मिला सकते हैं। अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। तैयार है हमारे सगारी आलू। तो दोस्तों, तैयार है हमारे फलाहारी आलू, और जिसे मैंने दही के साथ यहाँ सर्व किया है। आप भी बनाइए घर में, बहुत इजी है। आलू, उबले हुए आलू है, और बाकी जो मैंने मसाले बताए आपको सिंपल है।
तो बनाए हैं, खाए हैं, अपने दोस्तों को खिलाए हैं। मैं कहूँ आज घर की लेडीज़ को बना के जेंट्स लोग खिलाए तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू दोस्तों, साथ बने रहे और शिवरात्रि की एक बार फिर मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।